सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं उत्साहित करता हूँ आज आपको, आप लॉर्ड को ब्लेस करने जा रहे हैं। ये आपका टाइम है, ये आपका समय है और परमेश्वर आपके जीवन में नई नई आशीष को यीशु मसीह के नाम में उढ़ेलने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे सपोर्टर के लिए जो इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। परमेश्वर को ब्लेस करें, पर आपके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करें यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आपके जीवन में नई आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोगों पर वो आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए लॉर्ड का अनुग्रह आपके जीवन और मल्टीप्लाई यीशु मसीह के नाम है। आप एक काम हमें जो नीचे टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारे पास जो एड्रेसेस यहाँ पे हैं, आप अगर आप दिल्ली से हो या दिल्ली के आसपास में रहते हो, आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप कहीं बाहर से हो, अगर आप बाहर के स्टेट में रहते हो, आप हमें इन्वाइट कर सकते हो अपने देश में, अपने शहर में, अपने राज्य में। हम सब मिलकर एक नया रिवाइवल को लेकर आए और सब मिलकर एक नई जागृति को लेकर आए और परमेश्वर के लिए अद्भुत कामों को करें। हम एक नई जनरेशन है और हम अद्भुत काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे लोगों के लिए इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं लोगों के द्वारा। आप हमारे यूट्यूब में आप हमारे मैसेज को सर्च कर सकते हो प्रोफेट अनिल रावत के नाम से। आप हम यूट्यूब के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो, आप फेसबुक के थ्रू हमें जुड़ सकते हो, आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हो। लड़का ब्लेस करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे मीडियम दिए हैं ताकि हम सब एक होकर रहें, हम सब मिलकर रहें, हम सब प्रभु के लिए अद्भुत काम को करें यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों के लिए सेवकाएं को सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए आपकी प्रार्थना के द्वारा परम ब्लेस कर रहे हैं, हमेशा नए नए लेवल में लेके जा रहे हैं। और लॉर्ड का अनुग्रह और लॉर्ड की ब्लेसिंग और अद्भुत हमारे जीवन में हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद आप सब लोगों के लिए जो आप आज सुबह की घड़ी में इस शनिवार के दिन हमें देख रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा जब भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप प्लीज अकेले ना देखें, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और जो भी आपके आसपास के पड़ोसी हैं, आप उनको इनवाइट करें। एक चर्च की तरह एक कमरे में बैठे हैं। आपको पता क्या होगा प्रभु के लोगों, जो उपस्थिति चर्चों में होती है, जो उपस्थिति आपके चर्च में है, जो उपस्थिति मेरे चर्च में है, वही प्रभु इस समय आपको छुएगा। और जो इस समय यहाँ पे है, जो पवित्र आत्मा इस समय यहाँ पे है और मेरे द्वारा बात कर रहा है, वही इसी समय यीशु मसीह के नाम में आपके घर में है। आप अकेले ना बैठे, अपने लोगों को अपने आसपास में रखें। अगर आपके बच्चे आप प्रभु के साथ में नहीं जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे चर्च नहीं जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे लॉर्ड को उस तरह विश्वास नहीं करते जितना आप करते हो, मैं उत्साहित करूंगा आप लोगों के लिए एक बार और जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको साथ में बिठाएं। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुएगा, आपके बच्चों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं लॉर्ड उनको और ब्लेस करेंगे। और आप देखोगे जो बच्चे कल तक मसीह को नहीं मान रहे थे, कैसे उनका जीवन परिवर्तन हुआ और अब आपके साथ चल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता आपके परिवार के आशीष को यीशु मसीह के नाम में। इस सुबह की घड़ी प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से कि स्वर्ग के डोर ओपन हो और आपके जीवन में आशीष यीशु मसीह के नाम में खुले और आपकी आशीष मल्टीप्लाई यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं इस चैनल के लिए जिसके थ्रू आज हम आपसे बात कर रहे हैं। लॉर्ड को ब्लेस करें। और जब आप प्रार्थना करते हो प्लीज हमें याद, हमें अपनी प्रार्थना में याद रखें प्रोफेटिक जनरेशन चर्च को, शुभ संदेश टीवी को, ताकि परमेश्वर के और भी लोग खड़े हो सकें और हम एक साथ मिलकर प्रभु के लिए राज्य के इस्तेमाल हो सकें। मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए। आज मैं बात करना चाहता हूं आपके चैलेंज के बारे में। परमेश्वर के लोगों, मैं जैसे बात करना चाहता हूं आपको एक काम, आप जानते हो परमेश्वर के लोगों, चैलेंज आपके जीवन में आते हैं और उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आप अपने चैलेंज को चैलेंज करें। परमेश्वर के लोगों, मैं बात कर रहा हूं, बाइबल बताती है कि जिस समय परीक्षाएं आपके जीवन में लिखा है, शैतान का सामना करो तो भागेगा। अब क्या करना है पता है, शैतान आपको डराए, आपको परेशान करे, उस समय आपको क्या करना है पता है, आप हमसे बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं। आपको पता क्या करना है, आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको उसका सामना करना है। आप पहले से अभिषिक्त हो, आप पहले से सामर्थ्य हो और प्रभु ने आपको इसलिए रचा है, प्रभु ने आपको इसलिए बनाया कि आप जैवंत जीवन जिए, आप सामर्थ्य हो और आपके द्वारा हजारों चमत्कार धरती में हो यीशु मसीह के नाम में। आपको क्या करना है, जब वो आपको अटैक करे, जब आपको आपको चैलेंज करे, आपको उसको चैलेंज करना है। बाइबल में कहानी है, प्रभुवचन में लिखा हुआ है, उस समय गोलियत साउल की सेना को ललकार रहा था और प्रभुवचन में लिखा हुआ है कि जब साउल के लोगों ने और साउल ने गोलियत की आवाज को सुना, सब लोग डर गए। आप जानते हो परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताते कि जिस समय परमेश्वर के लोगों ने राजा को मांगा, प्रभु ने उनको साउल के रूप में राजा दिया। परमेश्वर ने साउल को ऑर्डेन किया एक राजा, परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने साउल को ऑर्डेन किया और साउल क्वालिफाइड था, साउल इस लाइफ योग्य था कि वो फाइट करे। लेकिन पता क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, साउल डर गया उसको देख के। मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आपको पता है कल का अभिषेक आज के शैतान को हराने के लिए काम नहीं आएगा। आपको आज के शैतान को हराने के लिए, आज की परीक्षा में जयवंत होने के लिए आपको आज के अभिषेक की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है क्या हुआ, साउल समुएल के पास में गया, कुछ चीजें वहां पे हुई, साउल समुएल के पास में गया और समुएल ने अभिषेक का तेल साउल के ऊपर उंडेला और समुएल ने साउल का अभिषेक किया। जानते हो प्रभु के लोगों उसके बाद में क्या हुआ, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा साउल के ऊपर उतरा और साउल प्रोफेसी करने लग गया और आज
आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है और आप भविष्यवाणी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी चैलेंज आपके जीवन में है आप उनके ऊपर जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जानते हो उसके बाद में क्या हुआ, पहले बताती है आगे लिखा है साउल ने जो भी काम किया यहोवा उसके साथ में था, जहां जहां वो गया यहोवा ने उसको जयवंत किया, उसको विजय दिलाई और उसके द्वारा बहुत सारे काम हुए। लेकिन पता क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, उसके बाद आप कहीं नहीं पढ़ोगे कि साउल ने फास्टिंग किया, आप कहीं नहीं पढ़ोगे साउल ने प्रभु का डर माना या परमेश्वर के लिए कुछ उपवास को ठहराया। आपको पता जानते हो क्या हुआ प्रभु के लोगों, साउल को परमेश्वर अभिषेक किया लेकिन उस अभिषेक को मेंटेन नहीं कर पाया। और आगे क्या हुआ, जिस दिन गोलियत ने साउल को ललकारा बाइबल बताती है कि वो उसकी आवाज को सुनकर डर गया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, एक यंग लड़का जिसका फ्रेश अभिषेक हुआ है, जो अभी अभी जिसको प्रभु ने अभिषेक किया है, उसने बोला कि इसकी क्या इतनी हिम्मत है, इसकी क्या मजाल है कि जो परमेश्वर के जीवित सेना को ललकार है। आपको पता है प्रभु के लोगों, जिस समय गोलियत साउल की सेना को ललकार रहा था सब लोग उसकी आवाज को सुन रहे थे, सब लोग उसके साइज को देख रहे थे उनके बीच में। लेकिन जान तो क्या हुआ, उनके बीच में एक लड़का था जो उसके साइज को नहीं देख रहा था, जो वो अपने परमेश्वर के साइज को देख रहा था। आपको पता है प्रभु के लोगों, जान तो क्या हुआ, साउल की पूरी सेना गोलियत की आवाज की तरफ कान लगाए हुए थी, लेकिन आपको पता है उन्हीं के बीच में से एक लड़का था जिन्हें गोलियत की आवाज नहीं सुना, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। आपको पता है आपका यही एटीट्यूड आपको जयवंत करता है, आपका यही बिहेवियर आपको औरों से अलग हटके बनाता है। सब लोगों ने बोला कि गोलियत बड़ा है, उसके हाथ 6-6 उंगलियां उसके हाथों पांवों में है, वो सामर्थ्य है, उसकी भाला बहुत बड़ा है। लेकिन आपको पता है क्या हुआ, उन्हीं के बीच में से एक लड़का है, न तो गोलियत के भाले को देखा, न से गोलियत की उंगलियों को देखा, न से गोलियत के साइज को देखा, इसने क्या देखा पता है, इसने अपने परमेश्वर को देखा और इसने बोला कि इसकी क्या हिम्मत है कि ये इज़राइल के जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार है। आज परमेश्वर के लोगों, जब आपके घर में क्राइसिस हो रहे हैं, जब आपका जॉब से निकाल दिया, आपके घर में पैसों की दिक्कत हो रही है, अब लोग क्या करते हैं पता है, उस परेशानी को देखना शुरू कर देते हैं, उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसको बढ़ाए ना बल्कि अपने परमेश्वर की तरफ देखें, उस परीक्षा की तरफ ना देखें जो परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, बल्कि उस परमेश्वर की तरफ देखें कि जो उस परीक्षा से पहले जो परमेश्वर खड़ा हुआ है। आपको पता क्या हुआ, सब लोगों ने बोला कि वो बड़ा है, उसको हराया नहीं जा सकता। साउल बोलता है कि वो बचपन से लड़ाका है, उसने बचपन से लड़ाई करनी सीखी है। और लेकिन पता क्या हुआ, दाऊद ने कहा कि हाँ वो लड़ाका है, वो सामर्थ्य है, लेकिन मेरा परमेश्वर से बड़ा सामर्थ्य है। बाइबल बताती है युद्ध यहोवा का है। उसने पता क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, सबने गोलियत को देखा, उसको ये उसका आकार को देखा, लेकिन उनके बीच में से एक लड़का था, उसने परमेश्वर के आकार को देखा। आज मैं तो चैलेंज करना चाह रहा हूं, अपनी गरीबी को ना देखें, अपनी बीमारी को ना देखें, अपनी परेशानियों को ना देखें, अपनी परीक्षाओं को ना देखें, अपने फर्नेस को ना देखें, आज परमेश्वर की तरफ देखें। और जानते क्या होगा परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु की तरफ देखोगे ये सारी चीजें आपकी तरफ देखेंगे, आपके कहने से दुष्ट आत्मा निकलेंगी, आपके कहने से बीमार चंगे होंगे, फाइनेंस आपके घर में आएगा, आपके कहने से बीमार लोग आपके कहने से मुर्दे जिंदा होने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है क्या होगा, जब आप प्रभु की तरफ देखोगे ये सारी चीजें आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। बाइबल बताती है पहले मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, मेरी बाइबल बताती है अन्य सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे ऐड कर दी जाएंगी। आज जबकि आप प्रभु की धार्मिकता की तरफ देख रहे हो, प्रभु के राज्य की तरफ देख रहे हो, फाइनेंस आपकी तरफ देख रहा है, पैसे आपकी तरफ देख रहे हैं, ओ परमेश्वर के लोगों चंगाई आपकी तरफ देख रही है, छुटकारे आपकी तरफ देख रहे हैं, आशीषें आपकी तरफ देख रहे हैं, स्वर्ग आपकी तरफ देख रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्वर्ग आपकी तरफ देख रहा है। अपनी परेशानी को न देखें मेरी बहनों, अपनी परेशानी को न देखें मेरे भाइयों, अपने दुख को न देखें मेरे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर को देखें जो सामर्थ्य आपको जयवंत करने के लिए। जब आपको लगे शैतान आपको बोले कि आपका आप दुश्मन जो है वो ताकतवर है, उसे बोला कि हो सकता है मेरा दुश्मन ताकतवर हो, लेकिन मैं मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। जब आपको बोले कि जो आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है उसकी बड़ी पहुंच है, उसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों के बीच में है, बोले कि हाँ उसकी पहुंच हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसके पांव रखने की जगह धरती है। और परमेश्वर के लोगों, जब आपके पड़ोसी जब आपके लोग अब आपके दुश्मन आपके लिए बोले कि आपके दुश्मन जो है वो सामर्थ्य है, उनको बोले कि वो मेरा लेकिन मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। उनको अगर जब आपके दुश्मन आपके अटैक करने के लिए आए, आप क्या करें, छुपना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको दाऊद की तरह उसका सामना करने के लिए जाना है। लेकिन शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। आपको पता क्या हुआ, जो गोलियत जो है दाऊद को ललकार रहा था, जो गोलियत साउल की सेना को ललकार रहा था, जिस गोलियत ने बोला देख दाऊद मैं तेरे गर्दन को काटूंगा और उसके बाद में तेरे शरीर को तेरे मांस को कौओं को खिलाऊंगा, आपको पता क्या हुआ, अगले ही सेकंड में वो दाऊद के कदमों के नीचे था और बाइबल बताती है कि दाऊद ने उसी की तलवार से उसके गला को काटा। आज जिस भी मूव में शैतान आपको हराना चाहता है, जिस रास्ते में वो आपको हराना चाहता है,
रहा है उसी रास्ते में आप उसको हराओगे। जो आपको डरा रहे हैं आप उनको डराओगे सुमसी के नाम में। जो आपको तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको तड़पाओगे सुमसी के नाम में। जो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको हराओगे सुमसी के नाम में। आपको कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा परमेश्वर के लोगों। जो आपको हराना चाहते हैं आप उन्हें हराओगे सुमसी के नाम में। ओ मेरे प्रभु के लोगों, इसे परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, इसे प्रभु की उपस्थिति आपके घर में है। परमेश्वर के लोगों, एक जयमत करने वाला परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है जो बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी मेरे बनाई हुई है। ओ प्रभु के लोगों, लॉर्ड आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आप ये ना देखें कि सामने क्या है, आप ये देखें मेरे साथ में कौन है। आमीन। लॉर्ड का ब्लेस करने जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु के लोग मिस्र से निकले और आपके पास जानते हो क्या हुआ, इनके सामने इनका लीडर एक्सपायर हो गया, मूसा एक्सपायर हो गया, हारून एक्सपायर हो गया। और पता क्या हुआ, लीडरशिप की जिम्मेदारी एक यंग लड़के के पास में आए, उसका नाम यहोशू था। और पता है इस परमेश्वर के लोगों क्या हुआ, बाइबल बताती है जब यहोशू मिस्र से आ रहा था वो एक यंग लड़का था, लेकिन आप पता क्या हुआ है, आज जब यहोशू कनान की तरफ जा रहा है अब ये एक्सपीरियंस लड़का है। इसके सामने बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, इसके सामने लाल समुद्र दो भाग हुआ, इसकी आंखों के सामने मन्ना आया, इसकी आंखों के सामने बटेरें आई, इसकी आंखों के सामने पत्थर ने पानी दिया। और अब ये यंग एक लड़का है जिन्हें मिरेकल को देखे हैं, जिन्हें सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस देखा है। और पता क्या हुआ प्रभु के लोगों, ये लोग जिस समय कनान में गए सबसे पहले वहां पर यरीहो नगर है, और आपको पता क्या है, यरीहो के सामने बहुत बड़ी दीवार है और अभी पार नहीं जा पा रहे हैं। इनके पास इतने महंगे हथियार नहीं है कि दीवार को छेद के पार जाएं, इनके पास इतने बड़े बड़े हथियार नहीं है कि दीवार को तोड़ दें। और लिखा है कि बड़ी सी दीवार इनके सामने खड़ी थी। आपको पता क्या होगा, सब लोगों ने क्या किया, दीवार की तरफ देखा और इन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी दीवार है, अब नहीं हो पाएगा हम लोगों से। लेकिन पता क्या हुआ, इनके बीच में एक लड़का था जो नेचुरल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल था। उसने क्या किया पता है, उसने दीवार की तरफ नहीं देखा, उसने परमेश्वर की तरफ देखा। और पता है प्रभु के लोगों क्या हुआ, प्रभु ने बोला कि तुम एक काम करो, इस दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाओ। और पता क्या हुआ, ये लोग चक्कर लगाते रहे छह दिन छह दिन तक इन लोगों ने दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाया। और सातवें दिन बाइबल बताती है कि सातवें दिन में इन्होंने क्या किया जानते हो, दीवार के चारों तरफ छह चक्कर लगाए। जब सातवां चक्कर की बारी आई, बाइबल बताती है इन्होंने जोर से जयजयकार किया, और आपको पता क्या हुआ, दीवार नींव से गिर गई। आज जब आप जयजयकार करने जा रहे हो, हर एक दीवार एक बंधन नींव से गिरने जा रहे हैं। जब आप जयजयकार कर रहे हो, हर एक दुष्ट आत्मा निकलने जा रही है। आप जयजयकार कर रहे हो, हर एक बंधन जो है वो टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो ऐसे जयजयकार करने के लिए? आप क्या करना पता है, आपको ये नहीं देखना चैलेंज कितना बड़ा है, आपको ये देखना आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। अपने परेशानियों को चैलेंज करें। हो सकता है आपको बोलना ना आता हो, जब चर्च में आपको बोलने के लिए खड़ा करते हैं आपके हाथ पांव कांपते हैं, लेकिन क्या करें परमेश्वर के लोगों, अपने परेशानियों को चैलेंज करें। हो सकता है जब आपको गाना गाने के लिए बोलते होंगे आप नहीं गा पाते हो, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े लोग यहां पे हैं। पता प्रभु के लोगों क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि शैतान तू मुझे हरा नहीं सकता, तू मेरे मन को नेगेटिव नहीं कर सकता। हाँ बड़े बड़े लोग यहां पे हैं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो सबसे बड़ा है। मेरे जो बैरी है, जो मेरे अगेंस्ट है, जो मुझे फाइट कर रहे हैं, उसकी बड़ी पहुंच हो सकती है, उसके बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर का नाम यहोवा है और वो सर्वसामर्थी है। और वो कहता है कि जो मैं धरती बांधता हूं, और वो कहता है कि मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। और प्रभु के लोगों, अपने डरे ना, अपने चैलेंज को चैलेंज करें, उन चीजों को चैलेंज करें जो आपको चैलेंज कर रही हैं। बाइबल बताती है, प्रभु में लिखा हुआ है, जिस समय बाइबल में लिखा हुआ है कि लोगों ने यहोशू को चैलेंज किया, वो पीछे डर के पीछे नहीं हटा, उसने चैलेंज किया। और पता क्या हुआ, वो हमेशा जयवंत रहा, अपने बुढ़ापे तक यहोशू ने कोई हार नहीं देखी। पता है क्यों, परमेश्वर के लोगों, यहोवा उसके साथ में था। और मैं डिक्लेयर करता आपके जीवन के लिए, जो आज हम देख रहे हो, हर एक लोग में डिक्लेयर करता हूं, अपने जीवन पर कोई हार आप नहीं देखोगे। बाइबल बताती है, प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जिस समय प्रभु ने यहोशू को चुना, अब लिखा हुआ है कि तेरे जीवन पर कोई तेरे समय ठहर नहीं पाएगा। और वही ब्लेसिंग आज मैं आपके ऊपर बोलता हूं, कोई बीमारी हो, कोई दुष्ट आत्मा हो, कोई कर्जा हो, कोई बुरी आत्मा हो, वो आपके जीवन पर आपके समय ठहर नहीं पाएगा। जहां भी आप जाओगे आप जयवंत होगे, जहां भी आप जाओगे आप अद्भुत काम करोगे, जहां भी आप जाओगे आपकी तरह चमत्कार से बढ़कर होंगे। ओ प्रभु के लोगों, जहां पर सब लोग चर्चें बंद हो रही होंगी, आप जाओगे आपकी चर्चें मल्टीप्लाई होगी समस्या के नाम में। जहां ऑफिस बंद हो रहे होंगे, वह आपके ऑफिस के नई नई ब्रांचें खुल रहे होंगे सुमसी के नाम में। अगर आप रिसीव कर रहे हो, आपके लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है इस समय। जो आप अगर आप रिसीव कर रहे हो, तो नया घर आपको इंतजार कर रहा है। अगर आप रिसीव कर रहे हो, नई जॉब आपको इंतजार कर रहा है। अगर आप रिसीव कर रहे हो, नया बिजनेस आपको इंतजार कर रहा है। अगर आप रिसीव कर रहे हो, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य आपका इंतजार कर रही है। लॉर्ड आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आप क्या करें पता है, अपने चैलेंज को देखकर डरे ना। और उसमें जानते क्या हुआ, दाऊद ने प्रार्थना नहीं किया, दाऊद ने ये नहीं बोला
करूंगा कि ठीक है गोलियत तू वेट कर, मैं एक घंटा प्रार्थना करूंगा और फिर तुझसे फाइट करूंगा। और दाऊद ने ये नहीं बोला कि मुझे एक आराधना का गाना गाना दे और उस समय आराधना करूंगा, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा और तब मैं तुझसे फाइट करूंगा। जानते हो क्या होता है, हम में से बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि लॉर्ड इस बार में मीटिंग अच्छी नहीं रही, अगली बार मैं और प्रार्थना करूंगा, मैं और फास्टिंग करूंगा और मैं अगली बार बढ़कर करूंगा। ये ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि आज ही इससे बेहतरीन मीटिंग होगी। और ये ना सोचे कि लॉर्ड ये जॉब ठीक नहीं रहा, अगली मैं और प्रार्थना करूंगा, ये इंटरव्यू ठीक नहीं रहा लेकिन मैं एक काम करूंगा, अगली बार और प्रार्थना करूंगा। मैं ये ना बोले, बल्कि ये बोले कि लॉर्ड यही सबसे बेहतरीन होगा। और कल का वेट ना करें परमेश्वर के लोगों, आप जयवंत हो और आपका परमेश्वर आपको आज ही जयवंत करेगा और यहीं पर जयवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। और दाऊद ने ये नहीं बोला कि हे गोलियत तू वेट कर, तू मेरा ठहरा रहे, मैं फास्टिंग करूंगा तब तुझसे फाइट करूंगा। उसने बोला कि तेरी हिम्मत क्या है कि तू इज़राइल की सेना को ललकारे, दुष्ट आत्माएं आपके सामने आए। ये ना बोले कि मैं प्रार्थना करूंगा और तब मैं तुझे निकालूंगा। अगर लोग आपके पास में, बीमार लोग अगर आपके पास में आए तो ये ना बोले कि ठीक है वेट करो, मैं एक घंटे प्रार्थना करूंगा और जब अभिषेक मेरे ऊपर होगा मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखूंगा, तुम चंगे हो जाओगे। आपको क्या करना है पता है, जैसे बीमार आपके पास में आए, बाइबल बताती है कि उनके हाथ रखने से बीमार चंगे होंगे। जैसे वो आपके पास में आए आप उनके हाथ रखो और चंगे होने जा रहे हैं। ये ना सोचे कि हम बहुत कुछ करेंगे। परमेश्वर के लोगों, अपने को व्यवस्था के अधीन न देखें, आप अनुग्रह के अधीन हो। चंगाई आपकी तरह नहीं हो रही है, चंगाई यीशु मसीह के द्वारा हो रही है, लेकिन वो तब हो रही है जब आप बोलोगे। यीशु कहते हैं कि मैं वही काम करता हूं जो अपने पिता को करता हुआ देखता हूं। आप वही काम कर रहे हो जो अपने पिता को करता हुआ देख रहे हो, आप वही काम कर रहे हो जो स्वर्ग आपको दिखा रहा है। जब आपके कोई भविष्यवाणी करने के लिए आए और लोग आपको बोले कि मेरे प्रोफेसी कर, तो ये ना बोले कि ठीक है मैं एक घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं बंद कमरे में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, तो लॉर्ड जो मुझे बोले मैं तब मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करें पता है, आप उनके सामने जाएं, जैसे आपके सामने जाओगे लॉर्ड आपसे बात करेंगे, जैसे आप उनके सामने जाओगे प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगी कि प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु के लोगों, अपना चैलेंज को देखे घबराएं ना, डरे ना। आपको पता है परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताते कि जब उन्होंने आगे लाल समुंदर था, इन लोगों ने ये बाइबल लिखा है, ये लोग यहोवा के दुहाई देने लग गए। लेकिन पता है क्या हुआ, बाइबल बताती है अब मूसा खड़ा हुआ है, आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना खड़ी हुई है, दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर, दुनिया के सबसे खतरनाक आर्मी, सबसे बेस्ट कमांडर पीछे खड़ा हुआ है। पता क्या हुआ, बाइबल बताती है कि सब लोगों ने यहोवा के दुहाई दिया और यहोवा ने बोला क्यों मेरे दुहाई दे रहे हो, जो लाठी तेरे हाथ में है समुंदर की बढ़ा और दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, ये प्रार्थना करने का नहीं बल्कि रिसीव करने का टाइम है। जब आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए, आपको ये नहीं बोलना कि हो मैं मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग से पहले मैं दो घंटे प्रार्थना करूंगा देन तब मीटिंग में जाऊंगा। आपको क्या करना है पता है, आप मीटिंग में जाओ, जैसे आप जाओगे लॉर्ड की उपस्थिति आपके साथ साथ यहां पर चलेगी। ओ पर मैं अभी अभिषेक को महसूस कर रहा हूं यहां पर और लॉर्ड ऐसे में आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आपको क्या करना पता है, आपको ये नहीं बोलना कि ओ मैं बाद में आना, जब कोई आपके घर आपके प्रार्थना करवाने के लिए आए और आपको लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और बहुत जगह वो गए और कोई नहीं निकाल पाया। ये मर कहे कि आप वेट करो, आज मतलब कल आना, मैं कल फास्टिंग करूंगा और देन तब कल आना। ये बोले कि अभी लेके आओ कि मेरे प्रभु ने कहा है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और आप निकालने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके जिन अभिषेक को देख रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप अपने को कैसे देख रहे हो, इससे फर्क पड़ता है परमेश्वर आप कैसे देख रहा है। लॉर्ड आपको जयवंत के रूप में देख रहा है, लॉर्ड आपको सामर्थ्य रूप में देख रहा है, लॉर्ड आपको अभिषिक्त के रूप में देख रहा है, लॉर्ड आपको महिमा मंडित शरीर को देख रहा है। आपको पता है परमेश्वर के लोगों, जिस गोलियत को देखे सब लोग डर रहे थे, उसी गोलियत को देखे दाऊद अभिषेक से भर गया और दाऊद ने बोला कि तेरी हिम्मत क्या कि तू इज़राइल की सेना को ललकारे। आज से काम करें, अपने चैलेंज को चैलेंज करें, वो आपको दिखने में बड़ा लगेगा, वो आपको भारी लगेगा, वो आपको सामर्थ्य लगेगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने चैलेंज कर दिया उसको, अगले सेकंड वो आपके पांव के नीचे होगा। ओ परमेश्वर के लोगों, इस समय प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है, अगर आपने चैलेंज किया अगले सेकंड में, अगले समय वो आपके पांव के नीचे होगा और आप उसके जयवंत होंगे। जो आपको डरा रहे हैं उनको डराना शुरू करें, जो आपको चैलेंज कर रहे हैं आप उन्हें चैलेंज करना स्टार्ट करें। यहोवा आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है, सामर्थ्य आपके साथ में है, स्वर्ग आपको सपोर्ट कर रहा है। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। जिस यीशु के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो आपके साथ में खड़ा हुआ है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपके साथ में चल रहा है। आप कैसे हार सकते हो, आप कैसे फेल हो सकते हो, आप कैसे निराश हो सकते हो, आप कैसे बदनाम हो सकते हो, आप कैसे डर सकते हो, जबकि यीशु आपके साथ में है, जबकि यहोवा आपके साथ में है, जबकि परमेश्वर आपके साथ में है, जबकि स्वर्ग पृथ्वी की सारी सेना आपको सपोर्ट कर रही है। अपने चैलेंज को चैलेंज करें, डरे ना, घबराए नहीं। जो चैलेंज आपको, जो आपका चैलेंज कर रहा है उसे चैलेंज करें। अगर वो बोले कि मैं बड़ा हो तो बोले कि तू बड़ा हो सकता है लेकिन मेरा यहोवा सबसे बड़ा है। और इससे प्रार्थना करें, मैं एक अभिषेक को महसूस कर रहा हूं। आज ही आप अपने दुश्मनों को हराने जा रहे हो, आज ही आप जयवंत होने जा रहे हो। और इसमें अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं। मैं कुछ महसूस कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप जयवंत हो रहे हो।
मैं महसूस कर रहा हूँ आप सामर्थ्य हो रहे हो, मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी तरफ बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकल रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ जिस तरह से दाऊद ने गोलियत को हराया वैसे आप बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालने जा रहे हो, आप बड़े बड़े बंधन ब्रेक करने जा रहे हो, बड़ी बड़ी चंगाई आपके द्वारा होने जा रही है, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं आपकी तरह निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए जिससे मुझे देख रहे हैं, ओ मेरे लॉर्ड ओ मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका अभिषेक इनके ऊपर बोलता हूँ, मैं आपके सामर्थ्य इनके ऊपर बोलता हूँ, मैं आपके अनुग्रह इनके ऊपर बोलता हूँ, मैं आपकी महिमा इनके ऊपर बोलता हूँ, इनको आप जयवंत करने जा रहे हो, ये इनका समय है, जो इनको चैलेंज कर रहा है उसे आप चैलेंज कर रहे हो, आपने कहा युद्ध मेरा है और मैं फाइट करूंगा, आपने कहा जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है, जो इनसे फाइट कर रहे हैं और यह हुआ आप उसे फाइट कर रहे हो, जो इन्हें कर्ज कर रहे हैं आप उसे कर्ज कर रहे हो, जिनके अगर जादू टोना कर रहे हैं वो जादू जो पावर फेल हो रही है यीशु मसीह के नाम में, आप इसे इनको ब्लेस कर रहे हो, मैं आपके अभिषेक इनके बोलता हूँ जयवंत कर देने वाले सामर्थ्य समय इनके साथ में है और वो इनको जयवंत कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, महिमा मंडित करने वाले सामर्थ्य इनके साथ में है और वो इनके सर को ऊंचा कर रहा है, इनको महिमा मंडित कर रहा है, इनके सामर्थ्य से भर रहा है, इनको अभिषेक से भर रहा है, और इस समय पिता परमेश्वर आपकी पावर इनके ऊपर है, मैं आपके सामर्थ्य को बोलता हूँ, मैं आपके अनुग्रह को बोलता हूँ इसमें यीशु मसीह के नाम में लॉर्ड, और आपकी महिमा इनके घरों में है, आज से इनको आप इन्हें जयवंत कर रहे हो, जो इनको हराने की कोशिश कर रहे हैं आज से ये उनको हराने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में लॉर्ड, धन्यवाद स्वर्ग से कर चुका है, स्वर्ग तो इनके साथ में खड़े हैं, आपके सेना इसके साथ में खड़ी है और आज से आपने जयवंत कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। बच जाए पापों से सारा संसार।
शैतान को मारा गया, गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ वो परवरदिगार। सबको जय मसीह की। धन्यवाद आपकी फ़ोन कॉलों के लिए जो आप प्रार्थना के लिए हमें करते हो। और पिछले हफ्ते की बात है, एक आंटी ने मुझे फ़ोन कॉल किया यूपी से। उनका एक लड़का था और वो लड़का बॉम्बे चला गया बॉलीवुड में काम करने के लिए। और आंटी रो रो के प्रार्थना की, आंटी प्रार्थना कर रही थी और आंटी प्रोग्राम को देखा। प्रोग्राम को देखने के बाद हमें कॉल किया हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर और हमने प्रार्थना की। बड़े बोझ की तरह मैंने और मेरी पूरी टीम ने प्रार्थना किया कि लॉर्ड हमें वो भाई वापस चाहिए, वो आपका बेटा है और हम उसे खो नहीं सकते, हमें वो भाई वापस चाहिए। और तो क्या हुआ, अगले ही दिन आंटी का फोन आया है हमारे प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पे और आंटी ने बोला कि बेटा प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा बेटा वापस अपने घर में आ गया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए और मैं सर रोक नहीं पा रहा हूँ इस गवाही को। मैं और मेरी पूरी चर्च जब इस गवाही को सुनती है हम लोग उत्साहित होते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं जब आपकी गवाही हम तक आती है। प्रभु आपको ब्लेस करें और मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए। आप हमें टेलीफोन कर सकते हो, आप हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे। और कुछ लोग हैं जो ईमेल के प्रार्थना रिक्वेस्ट हम तक सेंड कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए। मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हम पूरे बोझ के साथ में 2400 घंटे हफ्ते के सातों दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करें और लॉर्ड जो भी आपकी ब्लेसिंग है जो डूब रही है यीशु मसीह के नाम में वापस आए यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोग हैं जो बोझ में है, बहुत से लोग हैं जो बीमारी में है, बहुत से लोग हैं जो नशे में हैं, जो गलत संगति में हैं, व्यभिचार में हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं अगर आप उनमें से हो तो प्लीज आप इस नंबर कॉल करें। बहुत से लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पा रहे हैं, बुराई को छोड़ना चाहते हैं बट नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। जो भी आपकी गवाही है आप इन टेलीफोन नंबर के माध्यम से आप शेयर कर सकते हो और हम चाहते हैं कि हम आपकी गवाही को टीवी में दिखाएं ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम कर रहा है। हम जो ताकि लोग जान सकें कि यीशु जीवित है और आज भी चमत्कार हो रहे हैं, ताकि लोग आपकी गवाही से उत्साहित हो सके और परमेश्वर में और ब्लेस हो सके। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबके सहयोग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबके कॉलों के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करें और हम 2400 घंटे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करें। सबको जय मसीह की।